बताओ बोर्ड से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं ठंडे पड़ गए हैं। जब से वोट पड़ा है पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे, पुलिस में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकलेगी। और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं, उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ कुंडा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए आपको? और अभी आपने सुना होगा एक बीजेपी के नेता का भाषण, जो लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वीं पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? खुल छुट्टा जो उम्र घूम रहे कि नहीं घूम रहे? गौशाला में गाय मर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सांड वो लोगों को टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? एक बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ भारत छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी, और इसीलिए ये सब कंपनियों को बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं, कंपनियों को बेच दे रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, रोजगार न देना पड़े। समाजवादी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनेगी
तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य और भविष्य सुधारने काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि बाबा जी आजकल कह रहे हैं हमें कि हम रात सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, हम उनकी घर पे भी नजर रखने लगे हैं। और अब शाम को ये दिखाई देता है कि कभी कभी धुआं उड़ता है वहां पर। ये जो धुआं उड़ाने वाले, इन्हें इस बार जनता सबक सिखा देगी। और जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये कुंडा के लोग इस बार इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि पुताई करने वाले भी जा रहे थे उधर से। मैंने पूछा ये पुताई करने वाले कहां जा रहे हैं, तो पता लगा ये सब मुख्यमंत्री आवास में काले जो दाग लग गए हैं धुएं के, उनको मिटाने जा रहे थे। तो सोचो, उन्होंने तो तैयारी कर ली है जाने की, और हवाई जहाज की भी टिकट बुक कर ली है 11 तारीख की। तो बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन अपील करने आया हूं। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ, इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री, बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मैंने सुना है कि जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो जो खराब बातें वो सब की जा रही हैं। हो सकता है धमकी भी मिले, हो सकता है कोई डराए भी, हो सकता है कि कोई लालच भी दे, हो सकता है कि कोई कुछ बांटे भी। बताओ, उनके चक्कर में तो नहीं आ जाओगे? साइकिल याद रखोगे? और साइकिल को इसीलिए याद रखना कि सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा, और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, ये भी जानते हैं कि अगर कोई मदद कर सकता है तो इनकी सरकार मदद कर सकती है। हम इनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए ऐसी सरकार जिसने महंगाई बढ़ाई हो, भ्रष्टाचार बढ़ाया हो और नौकरी छीनी हो, किसान को बर्बाद किया हो, मजदूर को पैदल चलाया हो, दवाई न दे पाए हो, पुलिस को बर्बाद कर दिया हो, बताओ इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? पहले 100 नंबर थी पुलिस, तब अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब से ये 100 नंबर से 112 हुई है, पुलिस भी बर्बाद हो गई, पुलिस भी कबाड़ा हो गई। इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है, कोई चीज डबल हुई है तो महंगाई डबल हुई है। बताओ, जिन्होंने महंगाई बढ़ाई उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे?
जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, ये सरकार बनाने के चुनाव में आपसे मदद करने मांगने आए हैं। आप लोग मदद करना, मदद करोगे या नहीं करोगे? अगर मदद करोगे जिताओगे, इसलिए जिताना क्या ये लोग नौकरी नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। बोलो जिताओगे? हमारी पार्टी की गुलशन यादव को जिताओगे? और ये दूसरे प्रत्याशी हैं गिरीश पासी को जिताओगे? तो ये मान लें दोनों सीटें जीत के जा रहे हैं। आपको पता लग गया सरकार बनने वाली है, और जब से जनता ने बीजेपी की खड़ी की है खटिया, तब से उनके बयान आ रहे घटिया। बताओ बयान आ रहे उनके घटिया के नहीं आ रहे? साइकिल को भी न जाने क्या क्या बता रहे हैं। साइकिल आप चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? साइकिल नौजवानों की, साइकिल मजदूरों की, साइकिल किसानों की, और साइकिल समाजवादी पार्टी की। इसलिए एक गाना और सुना हुआ बाबा काबा, वो सुना गाना कि नहीं सुना? कि बाबा काबा, इस बार जनता ने कह दिया बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बाय बाय मान ले हो गई बाबा जी की। साइकिल याद रखोगे? इसलिए सरकार बनाइए, मदद करिए, मदद करना सब लोग। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कुंडा में सब सीमा लाग गए अन्याय की, सब सीमाएं लाग गए अन्याय की। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। सबको जोड़ करके सबको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हर जाति बिरादरी के लोगों को साथ ला करके उन्हें सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए, ये मान के जाए मदद होगी। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहां धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? ये नारा तो बड़ा अच्छा निकाला है, मैं पढ़ रहा हूं यहां से, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। बीएड टेट वालों, तुम्हें समायोजित करने का काम करेंगे। आपने सुन लिया होगा 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बिल नहीं आएगा, किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारी गरीब माताओं बहनों के लिए 1500 रुपया महीना, साल का 18,000 रुपए उन्हें सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो बेटियां पढ़ेंगी आगे उनके लिए इंटर पास करने के बाद 36,000 रुपए विद्यादान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे 69,000 हो आरक्षण वाले हो उनकी भी मदद करेंगे। और सबसे बड़ा फैसला लिया है समाजवादी पार्टी ने कि जब समाजवादी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर जातियों को गिन करके जनता को बताने का काम करेंगे। और ये जो राशन दे रहे हैं ये पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब कह रहे हैं मार्च तक देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। साइकिल की बटन दबाइए, 5 साल राशन पाइए। और राशन के साथ साथ सरसों का तेल 1 लीटर, 1 किलो
दूध का पाउडर और एक लीटर घी भी देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और चुनाव बाद लोगों का मुंह मीठा हो जाए इसलिए चीनी भी देने का काम करेंगे, गरीबों को चीनी। इधर बहुत दिनों से गरीबों का मुंह मीठा नहीं हुआ है, खुशी नहीं मना पाए हमारे नौजवान। बताओ हमारे नौजवान भी खुशी नहीं मना पाए क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कोई ऐसा समय नहीं आया जिसमें ये लड्डू खाते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते। इस सरकार ने हमारे नौजवानों की खुशी छीनने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक बार फौज में और पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन को और ग्रीस को जिता देना, यही निवेदन मैं आपसे करने आया। बहुत बहुत बधाई।